देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं सपना नायक आपका स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आज गुना आए हुए थे। सुबह से ही उनका स्वास्थ्य खराब नजर आ रहा था, फिर भी वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते समय अचानक लाइट चली गई और तेज गर्मी के कारण उनकी शुगर कम हो गई, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य ठीक होते ही कार्यक्रम को पुनः संबोधित भी किया और दूसरे गाँव के कार्यक्रम में वहाँ से रवानगी की। हम पार्टी के प्रति उनके जज्बे को सलाम करते हैं। चीनी सामान का विरोध किया आज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने। विरोध स्वरूप जलाया गया चीन का पुतला। आज स्थानीय जसम चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सांकेतिक पुतला जलाया और लोगों से आह्वान किया चीनी सामान न खरीदें। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमलों की योजना बनाता है। इन्होंने ये भी कहा कि चीन का सामान ना लें, क्योंकि हमारे ही पैसे से चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर ही हमले करवाता है। चीन और पाकिस्तान का कड़ा विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की तथा पुतला दहन भी किया। चीनी सामान का और चीन का बहिष्कार किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ में पूरी योजना बनाने के साथ और हमारे देश पर जो हमले होते हैं, हमारे सैनिकों पर जो हमले होते हैं, वो चीन मिलकर करवाता है पाकिस्तान के साथ। और चीन और पाकिस्तान का कड़ा विरोध करता है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। जिस तरीके से हमारे सैनिकों पर हमला होता है, और आज मैं पूरे हिंदू समाज से, पूरे भारत देश से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि चीन का सामान लेना वैसा ही है जैसे कि हम एक अपने सैनिकों के लिए गोली खरीद रहे हैं चीन से। क्योंकि जिस सामान को हम खरीदते हैं, जो पैसा हम देते हैं, उस पैसे से चीन और पाकिस्तान हमारे खिलाफ विरोध करते हुए, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके वही पूरा असला बारूद खरीद के और हमारे सैनिकों पर हमला करवाते हैं। इसका कड़ा विरोध करता है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोना। शहर में लगातार बढ़ती चोरियों पर कोई भी अंकुश लगा पाने में सार्थक सिद्ध नहीं हो रहा है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह बहुत ही आसानी से कहीं भी चोरी की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इन चोरों का सबसे पहला निशाना मोटरसाइकिल होती है। चूंकि लोग अपनी मोटरसाइकिल को कहीं भी छोड़कर अपने काम पर निकल जाते हैं, ऐसा ही एक मामला स्थानीय बेजू चौराहे का है, जहां से होंडा मोटरसाइकिल को दो चोर ले उड़े। सीसीटीवी लगे होने के बाद भी चोर बहुत ही आसानी से बाइक ले भागे। सोमवार को तकरीबन 8 बजे विधायक पन्नालाल शाक्य के घर के सामने गली से दो लड़के मोटरसाइकिल ले उड़े। यहाँ सीसीटीवी कैमरे में उनकी ये हरकत कैद भी हो गई। इसके बावजूद भी अभी तक बाइक चोरों का कोई पता नहीं। कब तक लगेगा चोरियों पर अंकुश, ये एक बड़ा सवाल है। आज नगर पालिका में हुआ हंगामा। मसला था नगर पालिका द्वारा शास्त्री पार्क की दुकानों की नीलामी का। वहां पर पहले से ही बैठने वाले लोगों का कहना है कि यहां पर पहले से बैठने वाले सब्जी विक्रेताओं को ही दुकानें मिले, किसी अन्य को नहीं। नीलामी के दौरान जमकर हंगामा हुआ, नीलामी की प्रक्रिया को पूरा नहीं करने दिया गया। आज शास्त्री पार्क परिसर में दुकानों की नीलामी हो रही थी। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। लॉटरी के माध्यम से सबकी दुकानें निकाली जानी थी। अचानक हंगामा तब बढ़ गया जब मंडी के बाहर के लोगों के नाम ड्रॉ में खुलने लगे।
सभी सब्जी विक्रेता और फल विक्रेताओं ने आगे की प्रक्रिया को वहीं पर रोककर हंगामा शुरू कर दिया। सभी की मांग थी कि जो पहले से यहां पर दुकानें लगा रहे हैं उसे ही नई दुकान मिलनी चाहिए। इसी हंगामे के चलते दुकानों की नीलामी प्रक्रिया को आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। हंगामे की स्थिति को देखते हुए नगरपालिका सीएमओ ने नीलामी प्रक्रिया को रोक दिया। अगली नीलामी कब होगी इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है। चाहते हो आप लोग? चाहते हैं सर कि हमको दुकानें मिलना चाहिए सब्जी की। अच्छा, किसी और को मिली तो? नहीं, किसी और को मिलना चाहिए। नए आदमियों को नहीं मिलना चाहिए, जो हम स्थाई बेटे वाले उन्हें मिलना चाहिए, किसानों को नहीं मिलना चाहिए। हम बरसों से नहीं बैठ रहे हैं। आप कब से कर रहे हैं? हमें बहुत साल हो गए। तो आपका कहना है कि हम लोगों को ही मिलना चाहिए? नए लोगों को नहीं दिया? बैठ रहे हैं, रात को 10 बजे तक ये बैठती हैं। सुबह 7 बजे आ जाते हैं और शाम को रात रात के बैठने 10 बजे तक। और हमें 30 साल हुआ बैठा और हमें चाहते हम बैठने चाहते हैं भाई। मैं बैठा रहे सभी बैठा रहे दुकानें मिले वो सब इधर कोई दुकान नहीं बार बैठा उनको दुकानें मिलनी चाहिए। हर आदमी को दुकान ना मिले। मैं टेलर यूनियन अध्यक्ष हूँ गुना से। कलेक्टर साहब को भी मैंने एक बार आवेदन दिया था, जब मैं यूनियन का अध्यक्ष बना था तो सभी सब्जी वाले ठेले वालों ने मुझे सुबह बुलाया था। बुलाता है ना भाई आप? इन्हीं ने बुलाया था मेरे से, जब बोला था सबने जब बोला था मेरे से कि जो शास्त्री पार्क पे जो सब्जी वाले हैं ना उन्हीं को सब्जी की दुकानें मिलना चाहिए, कोई बाहर वालों को ना मिले। तो मैं भी ये कह रहा हूँ इन सबकी तरफ से बोल लिया हूँ कि शास्त्री पार्क वालों को जो सब्जी वाले हैं उनको जहीं पे दुकान है उन्हीं को मिलना चाहिए। चाट वाले हैं उनको एक साइड मिल जाए और जो फल वाले हैं हमारे उनको एक साइड दुकानें मिल जाए, सब्जी वालों को एक लाइन मिल जाए। तो इतनी सारी जगह जहाँ पे है सब्जी वालों को एक दिन डेरा डाल दें, चाट वालों को एक दिन डाल दें और फल वालों को एक दिन डाल दें तो ये अच्छा रहेगा, शांतिपूर्वक कार्यक्रम हो जाएगा, प्रशासन का भी काम हो जाएगा और हमारे सब्जी वाले और ठेले वालों को और चाट वालों को भी जगह मिल जाएगी। प्रदेश स्तरीय शराबबंदी यात्रा का आगाज। समाज सेवी मेगा पार्टी का प्रोफेसर ए अब्बासी एवं पूर्व कुलपति डीएबी और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल त्रिवेदी के हाथों यात्रा का आगाज कल इंदौर से हुआ। इस यात्रा में गुना से डीएसओ के सदस्य ने भी शिरकत की। इस यात्रा के दौरान सभी लोगों को शराब से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करना है। शराब को पीकर इंसान शराब और नशे में अपने विवेक को मारकर प्रवृत्ति को जन्म देता है। इसलिए आज आप जानते होंगे कि 2 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बुजुर्ग महिला भी आज सुरक्षित नहीं है इस शराब के कारण। इसलिए मन कर दे शराब को और शराब बंदी कर दो। हादसों का सबब बन चुका रेलवे ओवरब्रिज। आए दिन यहाँ कोई ना कोई हादसा होता ही है, ना तो यहाँ डिवाइडर सही से बने और ना ही कोई सूचक। कई बार तो यहाँ लाइट ही जली हुई नहीं होती। मंगलवार की रात भी यहाँ एक बड़ा हादसा होते बच गया। रेलवे ओवरब्रिज पर बीच में टूटा पड़ा डिवाइडर आजकल यहाँ रोज होती दुर्घटनाओं का कारण है। पहले भी कई बार अपनी बनावट को लेकर विवादों में रह रहा रेलवे ओवरब्रिज आज रोज किसी न किसी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। बीच में डिवाइडर भी क्षतिग्रस्त हो चुका है कि यहाँ किसी न किसी वाहन को क्षतिग्रस्त होना ही पड़ता है। सामने से आती लाइट के कारण रात में यह डिवाइडर दिखाई नहीं देता, जिससे रोज यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं। कल रात भी एक बुलेरो इस डिवाइडर में घुस गई। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन ये कब तक चलेगा और कब जागेगा प्रशासन ये देखने लायक है। पता नहीं क्यों जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ आए दिन होती दुर्घटनाओं के बाद भी क्यों नहीं जाग रहा जिला प्रशासन? शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं सब। पहले बड़ी दुर्घटना हो इसके बाद इसकी मरम्मत कराई जाएगी। रोज़ एक गाली घुस रही है।
भारतीय कुसबा क्षत्रिय महासभा युवा शाखा आरोन के तत्वाधान में मठ मोहल्ला कुसबा समाज मंदिर एवं पठार मोहल्ला थाने के पीछे आरोन में लगातार 3 वर्षों से कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षाएं चलाई जा रही हैं। कक्षाओं में विद्यार्थियों की सभी विषयों की कमजोरी को अनुभवी सहयोगी शिक्षकों द्वारा दूर किया जा रहा है। कक्षाओं में सभी वर्ग जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ योग क्रियाएं भी कराई जाती हैं, जिससे बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास हो सके। कक्षा में युवा संगठन द्वारा निःशुल्क पाठ्य सामग्री भी वितरित की जाती है। आरोन से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। मुस्कुराती हुए थोड़े अच्छा, आप यहाँ पे पढ़ने आते हो तो आपको क्या क्या मिला है इनसे? पढ़ा मिला है और कुछ हमको अच्छी से पढ़ाते हैं। अच्छा, कब से पढ़ रहे हो आप? शुरू से। जगदीश कुछ जो संस्था चला रहे हो, कब से चला रहे हो आप? 2 साल से। अच्छा, और कितनी जगह चल रही है? 2 जगह। कहाँ कहाँ? मठ मोहल्ला और वार्ड नंबर 1 थाने की। वार्ड नंबर 1 में कितनी संख्या है? 20 बच्चे हैं। और मठ मोहल्ला में? 60 बच्चे हैं। अच्छा, और कब तक चलाओगे ये? 10 तारीख तक चलेगा। आपका उद्देश्य क्या है इसे लेकर? हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे ने बिल्कुल खुद का नाम लिखना नहीं आता, उनके पापा का नाम लिखना नहीं आता, कम से कम थोड़ा बहुत तो कमजोर बच्चे ने पढ़ा। किस किस समाज से हैं ये बच्चे? कुसबा समाज का है ज़्यादातर, तो फिर भी जैसे और भी समाज आ जाए ठीक उनसे बिठा ले। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुनील कुशवा। कैसी क्या संस्था चला रहे हैं बताएं? ये जो हमारा संगठन है भारतीय कछवा कुछवा क्षत्रिय महासभा, उसकी ओर से विगत 3 वर्षों से हम जो लोग कमज़ोर बच्चे होते हैं उनकी क्लास लगाते हैं। अच्छा, कितने दिन तक लगाते हैं ये? जैसे 1 महीने से 1.5 महीने तक हो जाता है। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पर? देखो, सुविधाएँ तो वैसे कुछ है नहीं है, हम बच्चों से फीस वगैरह तो कुछ लेते नहीं, हमारे ओर से जितनी सुविधाएँ हो जाती है निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। केवल कुछ समाज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नहीं, सभी समाज, उन समाज के। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।